जिला समाज कल्याण अधिकारी वीके सिंह ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण वीके सिंह ने बताया कि जेल अधीक्षक डीके पांडे के अनुरोध पर जेल का निरीक्षण किया गया और जेल में बंद बंदियों को समाज कल्याण विभाग की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, क्योंकि बहुत से ऐसे बंदी हैं जो जेल में बंद हैं और बेटी व बेटी की शादी करना चाहते हैं तो उनके विवाह के लिए मिल रही अनुदान राशि के संबंध में पूरी जानकारी दी गई। इसके संबंध में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में पूरी जानकारी दी गई, जिस पर बहुत से बंदियों ने अपनी सहमति जताया और उन लोगों ने साइड में नोट किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक डी के पांडे, जिला कारागार के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी वी के सिंह ने कहा, देखिए जेल का वो निरीक्षण नहीं था। जेल अधीक्षक महोदय मिस्टर डी के पांडे और जेलर अरुण कुशवाहा जी के साथ मेरी बातचीत हुई इसमें, क्योंकि वहाँ 2,500 लोग बंदी हैं, कैदी हैं वहाँ पे, और बहुत से लोग निम्न वर्गों से संबंधित हैं। बात हम लोग की इस मुद्दे पे हुई कि इनकी लड़कियों की शादी आदि में भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो अधीक्षक महोदय ने मुझसे कहा था कि आके अपनी सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के संदर्भ में कैदियों को उसकी पात्रता की शर्तों से मिलने वाले लाभ इत्यादि के बारे में जानकारी उपलब्ध करा दें, जिससे हो सकता हो किसी का लाभ हो जाए। तो इसी क्रम में हम लोग ने एक मीटिंग रखी थी कैदियों के साथ भी, और चूंकि मुलाकातियों से मिलने का समय भी था वही, तो काफ़ी संख्या में मुलाकाती भी वहाँ मौजूद थे। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से पूरे जेल में हमने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का बारे में उन लोगों को जानकारी दी। कुछ उनके कैदियों के द्वारा कुछ जिज्ञासाएं भी या अपनी उत्सुकताएं भी प्रस्तुत की गई कुछ योजनाओं के बारे में, तो उनका भी उत्तर दिया गया और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के बारे में विशेष रूप से बताया गया। इसमें बहुत से लोगों ने उत्साह भी दिखाया और साइट का नाम वो एड्रेस भी नोट किया है वहाँ से, तो देखा जाए हम ये प्रयास हम लोग का कितना सफल होता है, और इसमें जेल अधीक्षक और जेलर की महोदय की भूमिका ही बहुत ही सकारात्मक थी।